तो सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल ने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। इसके अलावा अस्पताल में सुविधाओं की जांच भी सांसद सुनीता दुग्गल ने की है। इस जांच के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल सुविधाओं से संतुष्ट नजर आईं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों को आ रही समस्याओं का सांसद सुनीता दुग्गल ने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को कहकर समाधान भी करवाया। इसके अलावा सुनीता दुग्गल ने यह भी बताया कि अस्पताल में ओपीडी ज्यादा है, बावजूद इसके अस्पताल में बेहतर काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं समय समय पर ऐसे संस्थानों की सुविधाओं की जाँच करती रहूँ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक मिला है, डॉक्टर्स और नर्स सभी ड्यूटी पर मौजूद रहे। व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त लग रही हैं और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ओपीडी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स काफ़ी हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी की वजह से भी बहुत लोग यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत सुचारू रूप से जो है, चाहे हम डिस्पेंसरी की बात करें, चाहे हम जैसे ओपीडी में जो पर्ची काटने की बात है वो बात करें, या ड्यूटी पर जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी बात करें, तो मुझे सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आया है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता था कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अचानक से एक बार जाकर इस तरह के संस्थानों को देखूं कि वहाँ पर हमारे जो मरीज हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो मैंने यहाँ पाया कि सब कुछ ठीक ठाक है और डॉक्टर्स जो हैं सब अपनी ड्यूटी पर हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी बिल्कुल सही ड्यूटी पर है। तो मुझे किसी तरह की कहीं कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था नज़र नहीं आई। देखिए, ऐसा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अभी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी इस तरह के सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो अधिकारीगण जो हैं वो ठीक ठाक तरीके से अपना काम करें। पिछले कई दिनों से जो है मैं अलग अलग गांवों के दौरों पे थी। कलामाली गांव के कई दौरे हमने किए और सिरसा के भी कई गांवों के हमने दौरे किए। और इसके साथ साथ मुझे लगा कि कुछ सरकारी जो संस्थान हैं उनको भी देखना चाहिए, इसलिए आज अचानक से मेरा मन हुआ और मैंने जो है इस सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया।